बच्चा एक और नया सम, जो सम है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है। जहां पे आप ध्यान से देखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये जो सम है इसमें रूट आ रहा है। तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है वो क्लियर कर लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन है 5√5x² + 30x + 8√5। तो ये हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, जैसे हम नॉर्मल सम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट तो वैसे ही करना है, एंड भी वैसे करना है, बीच में जो है वो थोड़ा कॉमन निकालने में ध्यान रखना है। तो बच्चा यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ax² + bx + c। तो आप बोलोगे सर ये जो है आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया, जहाँ पे x² का कोएफिशिएंट जो है आपका a, तो a इनटू कांस्टेंट टर्म दी हुई है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर वो भी क्लियर है। तो हमारे हिसाब से x² का कोएफिशिएंट जो है वो है 5√5, और यहाँ पे बीच में इनटू लगा देते हैं, और यहाँ पे 8√5। अब ये पॉइंट करेगा बच्चा, उसके बाद मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना है वो ध्यान में रखना है। रूट को हम हटाएंगे कैसे? तो आप बोलोगे सर √5 × √5 करते हैं तो कितना हो जाएगा 5। सेम वे √3 × √3 करते हैं तो हो जाएगा 3। रूट आप ले लेते हो 7 × √7 तो हो जाएगा 7। कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि जब भी आप रूट वाले सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट जाता है। सेम वे बच्चा यहाँ पे हम देखते हैं 5 × 8 तो आप बोलोगे 40, और यहाँ पे √5 × √5 तो आप बोलोगे 5। ये आपको समझ में आना चाहिए। 4 × 5 = 20 और एक जीरो लगाओगे तो हो जाएगा 200, क्योंकि ऑलरेडी 40 का जीरो एक लगेगा ना, वो बात हो रही। अब ये होने के बाद बच्चा आपका एक लेवल ऊपर जाना है, जहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है कि मुझे 30 लाना है। 200 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर 30 आए। तो बच्चा ये ओरल भी कर सकते हैं, 20 × 10 तो हमारा आंसर आ जाएगा, 20 × 10 तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चा अब आगे चलते हैं, इसको हम प्रॉपर तरीके से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5√5 × x², यहाँ पे 20x, और यहाँ पे हम लिखेंगे 10x + 8√5 अब बच्चा जो कॉमन निकालने वाला पॉइंट है वो बहुत ध्यान से समझना है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप फैक्टर क्या निकाल सकते हो, तो यहाँ कॉमन 5 और √5 कॉमन निकल रहा है। तो आप बोलोगे सर 20 के जो फैक्टर है वो आप बोलोगे 20 के 5 × 4 क्या निकल सकता है, 5 × 4 = 20 निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कॉमन क्या निकालेंगे 5 × 4 तो हम उसको लिख लेंगे कुछ इस तरह 5√5 × x². एक स्टेप ज़्यादा करने से हमारा आंसर बहुत इजीली हो जाएगा, 5 × 4 = 5 × 4x लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखना, हमारा यहाँ 10 है और यहाँ पे √5, क्या है बच्चा यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है √5। तो आप बोलोगे सर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैंने बोला बच्चा 10 है तो 5 × 2 कर सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन 5 की जगह बच्चा आप बोलोगे सर 5 की जगह इसको थोड़ा और रिफाइन वर्जन लिखना पड़ेगा, √5 × √5 × 2। 5 की जगह हमने √5 दो बार लिखना पड़ेगा, तो वही हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा √5, यहाँ पे √5 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे आप बोलोगे सर 8 × √5। क्लियर है? 10 की जगह हमने लिख दिया √5 √5 2, तो √5 √5 × 2 और करके x करके हमने ये पॉइंट ले लिया। अब बच्चा ये पॉइंट तो हो गया, अब जो करना है कॉमन निकालने वाली बात। तो यहाँ से कॉमन हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से दो कॉमन निकालेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर एक 5 निकलेगा, दूसरा x निकलेगा, यहाँ पे x² है, तो हमने ये 5 निकाल दिया और यहाँ पे x, तो ये √5 x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो 4 है एज इट इज आ जाएगा। बच्चे को ये पॉइंट समझ में आया तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज फिर से ये पॉइंट को ध्यान से देखो।
सेम वे बच्चा, अब यहां से देखोगे तो एक पहले रूट फाइव दिख रहा है, तो वो तो पहले हमने लिख ही दिया रूट फाइव, ब्रैकेट बना दिया। अब यहां से टू है और यहां से फोर है, तो आप बोलोगे फोर टू जार, तो फोर टू जार एट। बच्चा ये ना सम देख के स्ट्राइक होना चाहिए, मैं सीधा आंसर बोल जाता हूँ, तो वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से टू, ये टू और ये टू निकल जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये कॉमन निकल गया, तो अब क्या बचेगा क्या, तो एक रूट फाइव जो है वो लिखेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे और यहाँ पे जो फोर बचा था वो, और दोनों ब्रैकेट देखो बच्चा हमारे सेम आ रहा है। जैसे सेम आ जाएंगे तो बच्चा बोलोगे सर हमारा काम हो गया, तो रूट फाइव एक्स प्लस फोर एक ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट में हमने क्या लिखा फाइव एक्स प्लस टू रूट फाइव, रूट फाइव। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म। शांति से प्रॉपर देख लो बच्चा, ये पॉइंट इतने टफ नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस और तीन चार सम करोगे आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए मैंने इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको सिक्वेंस वाइज सम मिल जाएंगे। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक रूट वाले सम के साथ।